हेलो एवरीवन, सबको बाहर जाना है, सबको ये है कि बस अब्रॉड में सेटल हो जाए। कुछ लोग स्टडी बेसिस पे जाना चाहते हैं, कुछ लोग पीआर पे जाना चाहता है। अच्छी बात है, वी शुड ट्राई इट, बट मैं आज की वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कहीं उस बाहर जाने के सपने में कोई आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। आप लोग प्रेफर करते हैं कि आप एजेंट हायर करें स्पेसिफिकली इन पंजाब। अगर आप नॉर्थ इंडिया में पंजाब की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे कोई भी मोस्टली जो है कंसल्टेंट हायर नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझिए कि स्टडी वीज़ा के लिए हमें क्या क्या चाहिए। डेफिनेटली ज़्यादा कंसल्टेंट पर डिपेंड नहीं रहेंगे, पर आप कंसल्टेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हायर करते हैं बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड और उनको मालूम है कि फाइल में कौन सी चीज़ कहाँ पे और कैसे लगानी है। कंसल्टेंट हायर करने से पहले भी आपको बेसिक कुछ नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी वीज़ा फॉर। देखिए, अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, आपकी कोई भी स्ट्रीम हो आपको उससे रेलेवेंट कोर्स चूज करना है। सेकेंड थिंग, आपको जो चेक करनी है कि आपकी परसेंटेज जो है प्लस टू में वो 60% अबव रही हो, और कोशिश ये करिए कि आपका स्टडी गैप ना हो। देन द थर्ड थिंग इज़ दैट आईएलटीएस और पीटी, इंग्लिश टेस्ट बहुत नेसेसरी है। कुछ लोग इसके लिए भी जुगाड़ निकालते हैं, बिलीव मी देर इज़ नो जुगाड़ एट ऑल। तो आप जुगाड़ निकालने की बजाय आप ये कर सकते हो कि अगर आपका आईएलटीएस क्लियर नहीं हुआ तो आप पीटी ही दे सकते हो, बट रियली रियली डोंट गो फॉर एनी जुगाड़। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपने ग्रेजुएशन के लिए भी सेम यही चीज़ रखिए कि अगर आपकी किसी में बैकलॉग्स आई हुई है किसी सब्जेक्ट वगैरह में, तो आपके पास वो बैकलॉग सर्टिफिकेट्स हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट ग्रेजुएशन में आपके 60% से अबव हो और गैप कम हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद का जो गैप है उसमें आप वर्क एक्सपीरियंस अपना दिखा सकते हैं जो भी आपने शो किया है, बट ये चीज़ सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू के बाद नहीं दिखा सकते, स्पेसिफिकली फॉर कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट हर कंट्री में रहती है, तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो आज हमारे स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में चल रही है कि आईएलटीएस करें या पीटी करें। देखो, अगर आपका आईएलटीएस में स्कोर 2 या 3 टाइम्स में नहीं आया है, चाहे आपने कनाडा भी जाना, तो पीटी एक बार ट्राई कर लो। पीटी में स्कोर अच्छा आ जाता है कंपैरेटिव टू आईएलटीएस, और आईएलटीएस का थोड़ा सा ये भी है कि एक मॉड्यूल में कई बार कम मार्क्स आ जाते हैं। पीटी की अगर बात करें, अगर आईएलटीएस में कुछ बच्चे तो 6-7 टाइम्स आईएलटीएस दे चुके हैं और उनका स्कोर नहीं आया। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो, जब आप आईएलटीएस का फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हो आपका एंथुजियाज्म इस लेवल पे होता है, जब आप सेकंड टाइम पे देते हो आप फेडअप हो चुके हुए होते हैं। तो 7-7 टाइम्स टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, आप कोशिश करिए कि आप पीटी का एग्जाम दीजिए। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं मैम पीटी तो कैनेडा के लिए वैलिड नहीं है। पीटी कैनेडा के लिए वैलिड है, बट द ओनली थिंग इज दैट कुछ उसके नॉर्म्स हैं जो उसको पूरा करने पड़े। पर अगर आपसे आईएलटीएस हो ही नहीं रही है तो फिर आप इतना सोच क्यों रहे हो, आप पीटी का एग्जाम दीजिए। पीटी में डेफिनेटली यू विल गेट द गुड स्कोर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी फाइल नॉन एससीएस में चली जाएगी, बट आपका आईएलटीएस का और इंग्लिश का एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप या तो देखो फिर मेहनत कर लो, अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो आप स्मार्ट टेस्ट पीटी टेस्ट देके अपनी मेहनत को पूरा कर सकते हो। आपको मतलब कुछ बच्चे तो इतने फसी नेचर के होते हैं, वो कहते हैं मैम जाना ही यहीं पे इसी कॉलेज में, थोड़ी सी अगर आप थिंग्स चेंज कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ये खुद डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी ये है, आपको प्रायोरिटी वीज़ा लेना है या आपकी प्रायोरिटी ये है कि मैंने उसी कॉलेज में जाना है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट रहती है, तो कन्फ्यूजन को कम करके लाइफ में डिसीजन लेना सीखो कि मुझे क्या करना है। और अगर वो डिसीजन नहीं पूरा फुलफिल हो पा रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो समटाइम्स हमें रास्ता चेंज करना ही पड़ता है। तो कोशिश करिए, अगर आईएलटीएस नहीं हो रही तो पीटी क्लियर कर लीजिए। अब कुछ बच्चों से आईएलटीएस और पीटी दोनों क्लियर नहीं हो पाता, तो ओके, आई हैव रिसेंटली ओपन जर्मनी है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है, इटली है, जहाँ पे आईएलटीएस और पीटी की दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने आईएलटीएस और पीटी की डिमांड नहीं की हुई है तो डेफिनेटली उनका एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्टडी वीज़ा। दिल्ली स्टूडेंट्स की लिस्ट में दो ही कंट्रीज है, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। कनाडा तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है, पर अगर किसी के रीज़न की वजह से आपके कनाडा में नहीं हो पा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पा रहा, उसके बाद आप न्यूजीलैंड ट्राई कर सकते हैं
और अगर वहाँ भी नहीं हो पा रहा तो आप यूरोप में भी ट्राई कर सकते हैं। यूरोप में देर आर सो मेनी कंट्रीज, और अगर आप जर्मनी जैसी कंट्री या इटली जैसी कंट्रीज में अप्लाई करते हैं आपके शेंगेन वीजा लगता है। शेंगेन कंट्रीज में 26 कंट्रीज आती है, आप किसी में भी किसी कंट्री में भी विजिट कर सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर द बेटर ऑप्शन कि आपके लिए पूरा होल वर्ल्ड खुला हुआ है, तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ कनाडा ही ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। बेसिकली वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, आप किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। और जब भी आप विदाउट आइल्स में कहीं पे ट्राई करें, आप कोशिश करिए कि पहले आप चेक कर लीजिए किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में आपने अप्लाई करना है, और अगर वो विदाउट आइल्स में है तो उनकी अपनी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उनकी एक अलग चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट को देखिए और फिर उसके हिसाब से अप्लाई करिए। जब आप इवन कंट्री डिसाइड कर लेते हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि मैं किस एजेंट या किस कंसल्टेंट को हायर कर सकता हूँ जो कि यूनिवर्सिटी से टाइड अप है, तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी और इवन आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच, आई विल कम विद अनदर टॉपिक, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए, आई विल डेफिनेटली गिव यू। थैंक यू सो मच।